हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। तो आज हम जो टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। ये हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है ना। तो एनवायरनमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है हमारा एनवायरनमेंट 1 और एक है हमारा एनवायरनमेंट 2, है ना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट 1। तो एनवायरनमेंट 1 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा है वाटर डिमांड, इट्स सोर्सेस एंड कन्वेयंस, है ना। तो इस टॉपिक को, इसका एक लेक्चर भी है ना, जो मैंने कराया हुआ है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लेकिन इस पर से सिर्फ बेसिक क्वेश्चन अभी तक यदि हम बात करें तो हमारे MPPSC में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, ना तो 14 पे, ना तो 16 पे, ना तो 17 पे। तो वाटर डिमांड, इट्स सोर्सेस एंड कन्वेयंस बहुत ईजी सा टॉपिक है ना, और इस पर डेटा ज़्यादा है याद करने वाला। तो यदि हम इस पर बात करें तो इस पर से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, तो क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर की यदि हम बात करते हैं तो इसको हमने 1 स्टार दिया हुआ है। इस पर यदि हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर डिस्कस करने होते हैं, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर डिस्कस करने पड़ते हैं, और बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर को डिस्कस करना पड़ता है। तो इस पे से भी हमारे जो है कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट हो गई, हमारी परमिसिबल लिमिट हो गई, तो ये हमको देखनी पड़ती है और रिमेंबर करनी पड़ती है ना। तो इसमें से यदि हम बात करें तो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हार्डनेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ना, हार्डनेस क्या होती है, एल्कलिनिटी क्या होती है, तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर यदि हम बात करें तो 14 पे इस पे से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 पे 1 क्वेश्चन आया हुआ है, जबकि 17 पे भी हमारा 1 क्वेश्चन इस पे आया हुआ, और वो भी हमारा ये हार्डनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको हमने 1 स्टार दिया है, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की यदि हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे यदि हम बात करते हैं तो 14 पे इससे 2 क्वेश्चन थे, 16 पे यदि हम बात करें तो 6 क्वेश्चन है, और 17 पे भी हमारे कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। तो हमको ये समझ पे आ रहा कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो हमको छोड़ के जाना ही नहीं है। अब इस पे भी यदि हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पे जो हमारा डिसइंफेक्शन वाला पार्ट होता है उस पे, अब देखो क्या होता है कि हमारा जो MPPSC जब पेपर सेट कर रहा होता है तो वो सीधे सीधे से एक ही टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। तो यदि हम बात करते हैं डिसइंफेक्शन में भी, जो हमारा चिक्स एंड वाटसन लॉ, पहले ये जो था हमारा, पहले ये हमारे सिलेबस में तो था लेकिन इससे क्वेश्चंस आते नहीं थे, है ना। जब से MPPSC ने ये क्वेश्चन देना स्टार्ट किया तब से ये क्वेश्चन हमारे गेट में भी आने स्टार्ट हो गए, डिसइंफेक्शन के चिक्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना, या हम बात करते हैं हमारे वाटसन लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन, है ना। ESC में इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यदि हम बात करें कि उसी पर हमारे 2 से 3 क्वेश्चन हमारे 16 पे भी आ गए हैं और 17 पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब ये क्वेश्चन आ तो जा रहे हैं कि क्वेश्चन आ गए, लेकिन डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है या नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेटर ऐसा नहीं होता आपके पास कि आप उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओ, है ना। तो एनवायरनमेंट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करने हैं, है ना। मतलब टाइम कहां देना है और टाइम कहां नहीं देना, ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट में ही, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि विदाउट कैल्सियम उनको सॉल्व करना थोड़ी सा मुश्किल होता है ना। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यदि हम बात करें तो 14 पे हमारे 2 क्वेश्चन, 16 पे हमारे 6 क्वेश्चन, 17 पे हमारे 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं एनवायरनमेंट 1 पे, तो एनवायरनमेंट 1 में हमको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक तो क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर एंड सेकेंड पढ़ना है हमको ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के तो ये मान के चलो जहाँ जहाँ से जो क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको वो सारे लगाने हैं, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो इसको यदि हम देखें कि हमारा एनवायरनमेंट 1 का वेटेज कितना है, तो 14 पे हमारे 4 क्वेश्चन थे, 16 पे हमारे 7 क्वेश्चन थे, और 17 पे हमारे 6 क्वेश्चन है, है ना। मतलब 5 to 7 क्वेश्चन का वेटेज हमारा रहता है एनवायरनमेंट 1 का। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एनवायरनमेंट 2 की, तो एनवायरनमेंट 2 पे जो हमारे टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे हमारा यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर है, वैसे हमारे पे वेस्ट वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो उसको यदि हम बात करें तो इस पे 14 पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 16 पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और 17 पे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये इंपॉर्टेंट है ना। बेसिकली इस पे हमारा BOD, COD, है ना,
थियोरिटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सारे जो हैं हमारे वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हैं और इस पे भी हमारे अच्छे खासे फॉर्मूले हैं बीओडी के, है ना, बीओडी सीओडी के। तो उनको किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो सब हमारे इसी चैप्टर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो जितनी भी रिएक्शंस हैं, है ना, सारी रिएक्शंस और जितनी भी हमारी साइकिल्स हैं, हमारी नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, है ना, तो ये सारी साइकिल्स को भी इसी चैप्टर पर रखा हुआ है। इस पर यदि हम बात करते हैं कि 14 पे इस पे से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 पे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं और 17 पे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस टॉपिक को भी हमको स्टडी करना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट, तो इस पे यदि हम बात करें 14 पे एक भी क्वेश्चन नहीं है, 16 पे एक क्वेश्चन है और 17 पे हमारा 1 क्वेश्चन है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ सीवरेज एंड सीवर अपरटेंसेस, है ना, तो यदि हम इसकी बात करें तो हमारा ये हमारा 14 पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, 16 पे एक भी क्वेश्चन नहीं है और 17 पे भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिज़ाइन यदि हम सीवर की बात करें तो हमको सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चन जो इस पर से आता है कि बेस्ट सेक्शन कौन सा होता है सीवर के लिए, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। फिर यदि अपर्टेनेंसिस की यदि हम बात करें तो अपर्टेनेंसिस में इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, लैंप होल क्या होता है, मैन होल क्या होता है, ना ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को फिर से यहाँ पर 3 स्टार दे रहे हैं, इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है। ये हमारा 14 पे भी हम बात करते हैं तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, 16 पे भी इससे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और 17 पे भी हमारे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ये जो लिखे हुए हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हमारा सिर्फ 14 पे एक क्वेश्चन है, 16 और 17 पे इस पे से कोई क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की, तो 14 और 16 पे एक भी क्वेश्चन नहीं है जबकि 17 पे एक क्वेश्चन है। नॉइस पॉल्यूशन से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, है ना। और नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस पे, तो मिसलेनियस पे जो यदि हम बात करेंगे उन टॉपिक को रखा है जो हमारे एग्जाम पे तो आए हुए हैं लेकिन सिलेबस में डिफाइन नहीं है कि कहां पर आएगा। जैसे यदि हम बात करते हैं कि इस पे से यदि हम बात करते हैं लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है बेसिक केमिस्ट्री से उठाई गई है, है ना, सरफेस केमिस्ट्री वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर ये इक्वेशंस होती है और वहाँ से इस इक्वेशंस को लाया गया है। और क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट बिना केमिस्ट्री के बन नहीं सकती, है ना, तो केमिस्ट्री के सिंपल से एक एम्पिरिकल फार्मूला है, उसी एम्पिरिकल फार्मूले पर बेस्ड है हमारा लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। और इससे हमारा 16 पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है और 17 पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा अभी भी इस इक्वेशन से एक क्वेश्चन आने के चांस हैं, क्योंकि वो हमको 16 पे भी एक क्वेश्चन इससे देखने को मिला था और 17 पे भी इससे हमको क्वेश्चन देखने को मिला था आइसोथर्म इक्वेशन से। तो बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की यदि हम बात करें या एनवायरनमेंट 2 की यदि हम बात करें, तो एनवायरनमेंट 2 में यदि हम बात करते हैं तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे 14 पे, 7 क्वेश्चन हमारे जो है हमारे 14 पे आए थे, उसके बाद यदि हम बात करते हैं 16 पे तो 10 क्वेश्चन थे और 17 पे हमारे 10 क्वेश्चन हैं। तो ओवरऑल यदि हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की बात करें तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में टोटल जो 14 पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो 11 थे, है ना, उसके बाद यदि हम बात करते हैं 16 पे तो 17 क्वेश्चन है और यदि हम बात करते हैं 17 पे तो 16 क्वेश्चन है। और यदि हम मार्क्स की यदि हम बात करें कि मार्क्स कितने नंबर कितने मार्क्स का है हमारा एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, तो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें तो मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये हमारा हो जाएगा 33, ये हो जाएगा हमारे पास 51 और ये हो जाएगा हमारे पास 48। तो ओवरऑल यदि एवरेज निकाले तो 45 मार्क्स के आसपास हमारा क्या एनवायरनमेंट बन रहा है। तो एक चीज़ ये याद रखना कि हमारा जो सब्जेक्ट है या जो हमारा पेपर सेट किया जाता वो इस हिसाब से सेट किया जाता, क्योंकि अभी तक ग्रेजुएशन चल रहा था, ग्रेजुएशन में पेपर इस तरीके से सेट किया जा रहा था कि एग्ज़ाम को आसानी से या हमारा जो एग्ज़ाम है वो हर एक कोई क्या कर सके, उसको पास कर सके। लेकिन जब हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा होता तो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पर इस तरीके के क्वेश्चन डाले जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम से बाहर हो सकें। तो हमको ये याद रखना है कि यदि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक की स्टडी हमको डीप में करनी पड़ेगी। जैसे यदि मान लो एनवायरनमेंट किसी ने पढ़ी और एनवायरनमेंट किसी ने पढ़ी और यदि सीवेज ट्रीटमेंट वाला पार्ट जो है वो छोड़ के चला गया, तो ये सोचो कि सिर्फ 16 बस में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं इससे और 17 में भी 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। सपोज ये मान के चलो आपने पूरी एनवायरनमेंट पढ़ी है और एनवायरनमेंट 1 पे आपने ट्रीटमेंट वाला पार्ट नहीं पढ़ा हुआ है, रॉ वाटर ट्रीटमेंट का पार्ट, तो ये देखो 16 पे 6 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से बस आए हैं, तो फिर पूरा का पूरा पेपर ही बिगड़ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि हर एक टॉपिक को टच करना है और टच करने के साथ साथ जो
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, है ना, वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक्स हो गई, है ना, क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर हो गया। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। यदि आपने इनमें से एक भी टॉपिक, हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि यदि आपने उस टॉपिक को छोड़ दिया तो सीधे सीधे आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे, है ना। तो इसलिए याद रखना कि जैसे मान लो आपको ये चीज़ नहीं आ रही है, मान लो ये क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा, तो एक क्वेश्चन पे आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन यदि आपने ऐसे क्वेश्चंस छोड़ दिए, जैसे मान लो आपने पूरा का पूरा ट्रीटमेंट पढ़ा और ट्रीटमेंट में भी डिसइन्फेक्शन वाला पार्ट छोड़ दिया, तो डिसइन्फेक्शन वाला पार्ट छोड़ा तो आपके सीधे सीधे से 2 से 3 मार्क्स चले जाएंगे, है ना। तो ऐसा हर एक सब्जेक्ट के साथ में है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, है ना। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिया, कितने टॉपिक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 टॉपिक को तो इन्वायरमेंट में बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है ना। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर हो गया, उसके बाद वेस्ट वाटर करेक्टरिस्टिक्स हो गई, उसके बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गई, है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, तो ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो कि बिल्कुल आपको रटे हुए होने चाहिए। और इन टॉपिक में भी ऐसे फॉर्मूले याद करना है जिनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएं। जबरदस्ती में वो फॉर्मूले याद नहीं करना कि फॉर्मूले याद कर लिया, वहाँ जाके फॉर्मूला अप्लाई करते ही नहीं आ रहा, अप्लाई करते भी बन रहा है तो वहाँ पर कैलकुलेटर में किस तरीके से सॉल्व करना वो नहीं बन रहा। तो इजी वाले फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इजी वाले फॉर्मूले की आप एक टेबल बना लो और उस टेबल को बार बार याद करो कि यदि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। और दूसरे वो फॉर्मूले होते हैं जिनको आप पढ़ तो लेते लेकिन वहाँ पर जाके कन्फ्यूज़ होते हैं, फिर अप्लाई करते भी नहीं आता और फिर बाद में कैलकुलेटर नहीं होता तो सॉल्व करते भी नहीं आता, तो अभी यहाँ पर भी टाइम खराब करना है, फिर एग्जाम पे भी जाके टाइम खराब करेंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं उठाना है ना। पहले से सिलेक्ट कर लो कि हम यदि इस फॉर्मूले में क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है, यदि इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन को नहीं करना। एक तो टाइम बर्बाद नहीं करना है एग्जाम पे, है ना, तो ये चीज़ को अच्छे से याद रखना। तो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का हमने टॉपिक वाइज एनालिसिस कर दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने बोलना है। और जो रिमेनिंग टॉपिक हैं आपके या जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं जिनका एनालिसिस नहीं हुआ है, यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जो बचे हुए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनका भी टॉपिक वाइज एनालिसिस कर देंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, थैंक यू।